मध्य प्रदेश में अंडा लेकर सियासी संग्राम जो है वो शुरू हो गया है। कमलनाथ सरकार कुपोषण से निपटने के लिए आंगनबाड़ियों में अंडा परोसने का प्रस्ताव लेकर आई है और जिसको लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार बच्चों को नरभक्षी बनाना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ये एक विज्ञापन की टैगलाइन है जिसके जरिए लोगों को अंडा खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार भी अंडे का फंडा समझ चुकी है, तभी तो कुपोषण मिटाने के लिए अंडा का सहारा ले रही है, जिसके बाद अंडे पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार बच्चों को अंडा बांटने की योजना बना रही है। नवासी आदिवासी ब्लॉक के आंगनबाड़ियों में जाने वाले बच्चों के पोषण के लिए सरकार अंडा देने पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अगर अंडा खिलाया जाए तो कुपोषण दूर होता है, बच्चा तंदुरुस्त होता है। वहीं महिला बाल विकास मंत्री का मानना है कि जिन क्षेत्रों में बच्चे कुपोषित हैं वहां अंडे दिए जाएंगे और अंडा मांसाहारी नहीं शाकाहारी होता है। हमने बताया ना उनके कहने से क्या होता है, यही जाके होटलों में देखो जैसे तो अंडा मतलब शाकाहारी है, शाकाहारी है और अंडा कोई नॉनवेज का नहीं जाता। उन्हें जैसे होटलों में जा जाके नॉनवेज खाते, कितना फर्क पड़ेगा अंडा देने से, कितना फर्क पड़ेगा पड़ेगा बच्चों को। आपने देखा टीवियों पर आप ही लोग चलाते हो कि रोज खाओ अंडे, माँ गर्भवती होती है तो उनकी थाली में अंडा धरा देखता है, तो अंडा में कुछ गुड़ तो होंगे, जब भी तो डॉक्टर हमें बता रहे हो जब भी हम देना चाहते हैं बच्चों को। कांग्रेस अंडे पर अपना तर्क दे रही है लेकिन बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है, धर्म और संस्कृति की दुहाई दे रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान तो यहां तक कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण करना चाहती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने तो यहां तक कह दिया कि इससे बच्चे आगे चलकर कहीं नरभक्षी न बन जाएं। कोई क्या खाए यह उसके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार कहे कि अंडा खाओ ये कतई उचित नहीं है। आंगनबाड़ियों में इस तरह के भोजन को परोसे जाने का, अंडा परोसे जाने का हम लोग घनघोर विरोध करते हैं। घर में कोई कुछ खाए इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं और अंडा उनके घरों में वर्जित है। अब ऐसे में आंगनबाड़ियों में भी बांटोगे क्या लोगों को कि अंडा खाने वाले या अंडा नहीं खाने वाले, या सबको अंडा खिलाओगे? एक कुपोषित सरकार से इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद की जा सकती है, वो बच्चों को अंडा खिलाए, जो नहीं खाते हो ना जबरन खिलाए, पोषण दूर मुर्गे खिलाएगी, बकरे खिलाएगी और जो कुछ बनेगा वो खिलाएगी। अरे आदमी तो वैसे ही परे जा रहे हैं। और भारत के जो संस्कार हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें मांसाहार निषेध है, हम जबरन किसी को नहीं खिला सकते। और यदि बचपन से ही हम ये सिखाएंगे तो बड़े जाके वो पता नहीं फिर वो गोश्त तो खाएंगे ही, नरभक्षी ना हो जाए। शिवराज सिंह चौहान अब अंडे पर ज्ञान के गंगा बहा रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में थी तब भी अंडा बांटने की बात सामने आई थी, लेकिन अब बीजेपी खुलकर विरोध कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश साल 2016 तक देश के सबसे कुपोषित राज्य के तौर पर जाना जाता था। 2019 में भी मध्य प्रदेश तीन सबसे कुपोषित राज्यों में से एक रहा है। मध्य प्रदेश में 97,000 आंगनबाड़ी हैं। इन आंगनबाड़ियों में तकरीबन 70 लाख बच्चे हैं। ट्राइबल इलाकों में 23,000 आंगनबाड़ी, ट्राइबल इलाकों की आंगनबाड़ियों के 18 लाख बच्चों को अंडे बांटे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 45 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 से साल 2018 के बीच 57,000 बच्चों ने कुपोषण के चलते दम तोड़ा। कुपोषण से हर दिन करीब 78 बच्चों की मौत होती है। अंडे पर मध्य प्रदेश में सियासी तलवारें खींच रही हैं। कांग्रेस अंडे को कुपोषण के कारगर खुराक बता रही है तो वहीं बीजेपी इसे नरभक्षी बनने का रास्ता करार दे रही है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है,
कि सियासत के अलावा आखिर कुपोषण की किसको फिक्र है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ियों में अंडे खिलाने की कवायद शुरू हुई तो फिर राजनीति भी शुरू हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कुपोषण के कलंक से मुक्ति के बीच आखिरकार इसे सियासी अमली जामा क्यों पहनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन विजय नायडू के साथ विपिन श्रीवास्तव, R90 भोपाल।